अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। और अभी हो रहा है सुबह का 10 का टाइम, तो भाई बच्चे जो हैं आज स्कूल भी नहीं गए और हमारी गली में इतना शोर था, लग रहा था कि जैसे संडे का दिन ही हो। तो ये संडे के दिन ही व्लॉग्स अपलोड होगा और इंशाल्लाह। तो गली में इतना शोर था ना, ब्लीच वाला भी आया हुआ था, कचरे वाला भी आया था, सब्ज़ी वाले का भी आने का टाइम होने वाला था और कचरे वाला भी आया था। मैंने कहा चले मलाइका को आप जाके जल्दी जल्दी जो है कचरा दे के आ जाओ। और बाल्टी इतनी गंदी की हुई थी ना, तो हो रही मलाइका को तभी गुस्सा आ रहा था कि उसने बाल्टी सही से साफ़ भी नहीं की। बच्चे भी आजकल के माशाल्लाह बहुत ही होशियार हैं। और ज़ैफ़ा जो बैठ के सीढ़ियों पे रोने लग गया कि मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा चलें थोड़ी देर इसको थैली पे बैठने देती हूँ, मालिक में कान इस टाइम बाहर होते हैं। तो मैंने कहा चलें फिर जो है ना मुझे टेंशन नहीं होती। और मलाइका होरन को मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाने देती, ये जो छोटे थोड़ी देर ना बाहर बैठ जाता थोड़ा लाडला है ना। और आपको पता है लड़के तो बाहर घर पर बैठते ही नहीं है। ये माशाल्लाह से अभी से एक दो मरते इसको मैंने बाहर निकाला तो अब याद ही हो रहा है आस्ता आस्ता। तो बस चाय भी मैंने यहाँ पे रख दी थी मलाइका हुरैन के लिए, और रोटी नहीं बनाऊँगी ना ही ब्रेड मंगाऊँगी। अंडा भी क्यों से हुरैन का जो ना पेट में दर्द है इस वजह से ना, और एक को दूंगी और एक को नहीं दूंगी तो वो भी मसला, क्यों से दूसरे रोने लग जाएंगे, मुझे भी अंडा चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा चले अभी सारे पापे से ही नाश्ता आप लोग कर लो। और इसकी हालत देखिए, इतने अपने कपड़े इतने गंदे किए हुए थे। मैं इसे कह रही थी कि आप बाहर तो चले गए इस हालत में, और नाश्ता करने के बाद मैंने कहा इनको कपड़े जो चेंज करवा लूँगी नहलाऊँगी बिल्कुल नहीं, क्यों से इनकी ना जिसम नरम गर्म है। और शाम को कुछ मौसम जो है ना थोड़ा सा चेंज लगता है, दिन में गर्मी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे कल वाली वीडियो में भी कमेंट्स आया कि भाई सिस्टर हमने तो फुल तैयारी कर ली है सर्दियों की, पर सर्दियों का इंतज़ार है। मुझे सबके कमेंट्स अच्छे लगे पर इन सिस्टर का बहुत ज़्यादा कमेंट्स अच्छा लगा है, मुझे हंसी भी आई। चलें भाई इंतज़ार करें तो आ ही जाएगी इंशाल्लाह सर्दी। और काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल के जवाब भी दूंगी। और यहाँ पे मेरा बेटा जब भी बैठ गया था भाई मुझे कह रहा था कि मुझे टेबल पे ये नाश्ता दो, और दूसरा कपड़ा इसने नीचे फेंक दिया था। ये देखे भाई ये टेबल से नीचे वाली साइड से निकाल लिया इसने, ऊपर रखा हुआ था अब नीचे ही फेंक दिया। और इतने में भाई सब्ज़ी वाला हमारा आ गया, तो मैंने कहा चलें सब्ज़ी मैं ले लेती हूँ। हमारी सब्ज़ी वाला भी चेंज हो गया है, ये उनके भाई हैं और पहले जो सब्ज़ी वाला दूसरा था, और वो जो है स्पीकर में बोलता था और ये स्पीकर के अलावा ही, और पता भी अब नहीं लगता, बार बार देखना पड़ता है गली में। तो मैंने कहा इससे ना एक दो सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ, कल मैं सब्ज़ियाँ वगैरह भी नहीं लाई। और जब ज़्यादा काम हो तो ज़्यादा मैं नहीं ले के आती, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लेती हूँ। ख़ासतौर आलू प्याज तो मैं गली वाले से ही लेती हूँ। आज तोरी अच्छी लग रही थी, मैंने साथ तोरी भी ले ली। उस दिन मलाइका हुरैन को बहुत पसंद आई है तोरी बनी हुई, आज मैंने कहा किलो ही ले लेती हूँ। और मतलब प्राइस भी कम थी, 150 रुपये किलो दे रहा था, मैंने कहा प्राइस भी सही है ले लेती हूँ। और आलू प्याज भी ले लेती हूँ, और अक्सर मैं अपने हाथ से इसलिए लेती हूँ ना, आप लोगों को पता है कभी ख़राब चीज़ दे ही देते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और बस बच्चों को मैंने कहा जल्दी जल्दी चाय दे लेती हूँ। और आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कहते हो कि भाई मलाइका हुरैन को आप चाय ना दिया करो ना दिया करो, तो भाई आप लोग खुद देख ले कि भाई कितनी बच्चों को चाय देती हूँ, थोड़ी थोड़ी चाय देती हूँ। और इसमें भी वो जो है ना दो दो तीन तीन घूट जो पानी भी डालते हैं, इससे जो है मैदे पे असर नहीं करता, क्योंकि चाय गर्म होती है तो भाई इसका असर जो है ख़त्म हो जाता है। बच्चों को थोड़ी चाय देती हूँ, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लेते हैं, तो कोई इसमें नुकसान वगैरह वाली बात तो नहीं। बार थैंक यू सो मच कि आप लोग फिर भी फिक्र करते हो मेरे बच्चों की। और ये भाई मेरी चाय है, मैं इतनी सी अपने लिए चाय मेरी ये होती है, सुबह में इतनी लाजमी ही पीती हूँ, ना ही ज़्यादा फुल और ना ही ज़्यादा इससे कम। और अब देखें बच्चों ने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया तो कितनी हो गई चाय। तो जल्दी से बच्चों ने जो है नाश्ता किया, उसके बाद जो मैंने हुरैन के लिए फ्राइज बनाने, मैंने कहा फ्राइज बना लेती हूँ। और मलाइका आज मुझे बोल रही थी मम्मा फ्राइज खानी है, तो भाई संडे वाला दिन हो या हफ्ते में एक दो बार लाजमी मैं बच्चों की फरमाइश पर बना ही लेती हूँ। तो ये फ्राइज बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट किए थे, और इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करूँगी। आप लोगों को पता है ऑयल वैसे भी बहुत महंगा, महंगाई भी ज़्यादा है। और मैं इसमें ना फ्राई पैन में बनाऊँगी, और देखना आप इतने क्रिस्पी बन जाएंगे और बिल्कुल ही जो इसमें ना जल्दी भी बन जाते हैं, और ऑयल भी बिल्कुल ही कम ही लगता है। तो मैं इसी तरह बनाऊँगी, आप लोगों को भी बताऊँगी। तो अच्छे से मैंने कहा इसको धो लेते हैं, और इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं करूँगी, ना कॉर्नफ्लावर ना कुछ, वो भी अच्छा उससे भी बन जाते हैं। मैं सिंपल सी बच्चों को बना कर देती हूँ, भाई इतने मैं नहीं अफोर्ड कर सकती ये चीज़ें। और डेली किस तरह के आप लोगों को पता है, ज़्यादा आप लोगों की वो बात है कि जेब की बात होती है, इतनी अफोर्ड हम लोग खुद भी नहीं कर सकते, ना मैं इतना बच्चों को वो करती हूँ। तो जहाँ पे इंसान हाथ रखना वहीं पे कहते हैं रहता है।
और बस मैंने प्याज जो है इसमें डाल दिया, प्याज मैंने किलो ले लिया था, 2 किलो आलू ले लिए थे, क्योंकि बच्चों को ना मैं स्कूल में भी यही बना के फ्राइज़ का भी दे देती हूँ कभी अलग से कोई चीज़, कभी टिक्की वगैरह आलू की मतलब टिक्कियाँ वगैरह इस तरह ना, तो प्याज महंगा तो मैंने थोड़ा सा इसमें होकर मतलब ले लिया। और ये देखिए भाई अच्छे से मैंने हिला लिया इसको और कचरा कितना सारा निकल गया भाई, ये डिफेक्ट था। ये देखिए अपनी मर्ज़ी से अगर वो आलू देते ना तो ये होता, ये आलू ये देखिए बिल्कुल ही ख़राब है, किसी काम का ही नहीं है, इसको तो अब निकाल ही देते कि उससे आलू दूसरे भी ख़राब हो जाएंगे इसकी वजह से। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर व्लॉगिंग में मतलब बता रही होती हैं, टिप्स बता रही होती हैं घरेलू, मतलब कि आप प्याज की टोकरी में कोई नीचे अखबार रख दें या कुछ रख दें, पर मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी यार जहाँ तक मेरा तजर्बा है तो इसमें बिल्कुल कुछ भी ना रखें और ऐसी इसको हवा लगने दिया करें। और अगर ख़राब ना भी होना तो गर्मी की वजह से जब वो टच होते हैं ना एक दूसरे से गर्मी से और वो ख़राब हो ही जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, उतनी गंदी स्मेल हो जाती है, तो इस तरह रखने से कुछ भी नहीं होता। और ये देखिए मैंने अभी तक जो है इसको को ना मैंने अभी कलर वगैरह भी नहीं किया, जो मैंने आपको बदखें दिखाई थी ना और वो जो है अभी रखी हुई है, मैंने मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है कलर लूँगी तो फिर जो है इनको इकट्ठे ही कलर कर लूँगी और एक ही जगह से जो है ले आऊँगी जो उनसे कलर करना है। वैसे तो आप लोगों ने ज़्यादा ब्लू कलर का मुझे इसका कहा था तो सोच रही ब्लू ही लूँगी और बदखें तो वाइट ही करूँगी, उसके लिए भी कलर लेके आऊँगी भाई। अब सोच रही है यूँ कलर लेके आऊँ या मतलब गांव जाने की तैयारी करूँ, गांव जाने का भी आप लोग भी पूछ रहे हो भाई कब जाना है, तो मैंने आप लोग को बताया है 11वें महीने की इंशाल्लाह, अभी कोई मतलब सीटें वगैरह कुछ भी नहीं हुई, अभी सोचेंगे। तो टमाटर और ये देखें ये तो फ्रिज में पड़े थे टमाटर, तो मैंने निकाल लिए, शॉपर में पड़े हुए थे, हस्बैंड शाम को लाए थे भाई। मैं तो इसको फली ही कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, गंवार फली भी कहते हैं वैसे, फली भी कह देते हैं। और ये 1 किलो जो है मैंने ये ले ली थी तोरी, और कोई तोरी कहता है कोई तोरियां कहते हैं, चलें भाई सब्ज़ी है कोई भी चल जाएगा। तो ये देखें सब्ज़ी बहुत ही ताज़ी ताज़ी थी, थोड़ी सी अदरक ले ली, आज मैंने अदरक थोड़ी सी ले ली इसलिए कि बस भाई गुजारा मैंने कहा फ़िलहाल कर लेते हैं, 2-3 दिन तो आराम से ये चली जाएगी, 3-4 खाने में मेरे तो भाई चली जाएगी। टमाटर भी निकाल लिए हैं फ्रिज मैंने साफ़ अभी तक नहीं की, 1-2 दिन में फ्रिज भी साफ़ करनी कि उसे सर्दियों से पहले जो एक बार कर लेती हूँ, कि उसे 1-2 महीने हो गया होगा मुझे, मैंने फ्रिज अभी तक साफ़ नहीं की क्योंकि और जो फ्रिज को खुलने वाला है नहीं कि ज़्यादा गंदी हो। और बस ये कचरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया और ये एक ही दफ़ा जो है सफाई कर लूँगी, अभी लाइट भी जाने वाली है। और हुज़ैफ़ा अपनी इस भाई बहन को उठा रहा था कि भाई खेलो आपका फेवरेट, ये देखो मिनी वाला, ये देखे बैग भी है, तो मैं इसको कह रही थी भाई नहीं उठाओ उसको सोने दो, उस बेचारी सुबह से वैसे ही बेहोश पड़ी, 1-2 पापे ही उसने खाए, पर वो अपनी बहन को कह रहा था भाई उठो उठो मिल के खेलते हैं बेचारे बाहर, तो हुज़ैफ़ा को ज़्यादा खेलने में देती नहीं हूँ। तो सिस्टर ने एक भाई स्टडी टेबल का कहा था कि सिस्टर इसका लाजमी बता दें, व्हाट्सएप पे पूछ रही थी, तो मैंने उनको वैसे तो प्राइस इनकी बता दी थी और मैंने कहा इनका मेन फ़र्क जो है मैं इनको वीडियोज़ में बता दूँगी। और ये इनका फ़र्क है, ये देखें ये इसके ऊपर स्टिकर है और ये वाली जो पिंक वाली है ना ये इसके ऊपर पेंट हुआ है और ये अच्छी वाली ये है। और ये मतलब 3 साल से लेके 6 साल के बच्चों की ये स्टडी टेबल है और इससे एक बड़ी और भी है, अगर आपके बच्चे 6 साल से ऊपर हैं उसकी टेबल भी बड़ी है और मतलब कि उसकी प्राइस भी अलग है। वो उसकी प्राइस मैंने नहीं पूछी थी क्योंकि मुझे वो लेनी ही नहीं थी। तो ये भाई फ़र्क है इनका, और इससे एक और भी हल्की है मतलब प्लास्टिक सेम ही है उसका भी, और उसका जो है मतलब कि ये ऊपर बिल्कुल ही जो है ये स्टिकर है ही नहीं, बिल्कुल प्लेम है, मतलब वो कह रहे थे कि कोई प्लेम मांगता है प्लेम की प्राइस थोड़े कम है, मतलब 100-150 का फ़र्क है इतना है, पर मुझे प्लेम नहीं चाहिए थी, मुझे बच्चों के लिए ये वाली चाहिए थी। चलें जी इस सिस्टर का जो है मैंने जवाब दे दिया, उन्होंने ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में, अब मैंने तो उनको जवाब दिया है। तो एक और सिस्टर हैं, उन्होंने कहा मेरे भी आपने वीडियोज़ में नाम लेना है और मैं उनका भी नाम लूँगी, और वो भी बहुत ही अच्छी हैं और मतलब शायद मेरी काफ़ी टाइम से वो वीडियोज़ देख रही हूँ, मुझे तो पता नहीं है। तो बहरहाल 1-2 दिन से जो है मेरी व्हाट्सएप पर आई हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनके 4 बच्चे हैं और शनीला नवीद के नाम से, उन्होंने कहा मेरा आपने ज़रूर नाम लेना है। तो सिस्टर मैंने आपका नाम ले लिया, अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे अब ज़रूर बताना है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई, आप लोगों का भी यही होता है कि आप लोग भी यही कहते हैं कि सिस्टर हमें लग रहा होता है कि हम भी अपनी फैमिली की तरह ही मतलब आपकी जब वीडियोज़ देख रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और यहाँ पे जो मैंने मलाइका हो रहे इनको तैयार कर दिया था, इनको जो मैंने नहलाया बिल्कुल नहीं थे वैसे, कपड़े इनके चेंज कर दिए थे और अब इन सबको ही सिरप पिला देती हूँ भाई। और ये बुखार वाला भी है, ये दर्द का भी है, तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है,
तो मैंने कहा ये इनको एक एक चम्मच जो पिला देती हूँ, साथ में फ्राइज़ भी बन रहे वो भी दे दूँगी। तो भाई हुज़ैफ़ा तो माशाल्लाह भाई बुखार हो ना हो इसको सिरप का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो कह रहा था पहले मुझे पिला दो, तो मैंने कहा चलें जी आपको भी पिला देते हैं साथ साथ में। और हुरैन को इसलिए कि उसके पेट में दर्द है, और मलाइका को इसलिए कि भाई उसको जो है दांत में दर्द है, ये दांत के दर्द के लिए भी है, और हुज़ैफ़ा को इसलिए कि भाई इसको दाने निकले हुए थे उसके लिए भी बेस्ट है। तो हुज़ैफ़ा को मैंने ओके कहा तो कह रहा था ओके है। माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है माशाल्लाह बहुत ही होशियार है, और आप लोग भी तारीफ़ कर रहे होते हैं भाई हुज़ैफ़ा की, तो जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये मेरा बेटा, और समझदार भी ज़्यादा है माशाल्लाह। तो बर्तन भी पड़े मैं, और बर्तन भी अभी धोऊंगी मैं, और ये फ्राइज़ जो है ना ये बस बन गए हैं। थोड़ी सी इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, हल्की मैं डालती हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं रखती, बिल्कुल नॉर्मल सा मैं रखती हूँ। और बच्चों के फेवरेट भी प्लेटों में मैंने डाल दिया। हुज़ैफ़ा की एक प्लेट जो है टूट गई है, तो भाई इसमें जो है मैं हुज़ैफ़ा को ना इसमें सीरीलैक्स बना कर देती थी, और अभी जो है इसमें मैं चले मैंने कहा फ्राइज रख देती हूँ। और इनके लिए ये मैंने टमाटर केचप जो रख के दिए ना चिली वाले, और ये मलाइका हुरैन जो शौक से लेती हैं, तो मेरे पास घर में है नहीं, ख़त्म हो गई है। तो ये साशे पड़े हुए थे मेरे पास जो मैं अक्सर बाज़ार जाती हूँ बच्चों के लिए जिंगर बर्गर लेके आती हूँ, तो उसमें जो तीन चार अक्सर जो है ना एक बर्गर के साथ देते ही हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारी ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए एक साशे बहुत ही अपनी मर्ज़ी से खुद ही डाल लेंगे। और माशाल्लाह मेरा बेटा हुज़ैफ़ा भी शौक से ही खाता है ये वाली, और इसको भी मतलब चटपटी चीज़ें बहुत ही पसंद हैं, और ये खा भी लेता है। तो बच्चे जो है अभी फ्राइज़ भी खा ले, मैंने कहा साथ साथ में जो है बर्तन वगैरह ये सारे धो लेती हूँ। और मेरे मतलब कि ये 12-1 तो बच ही जाते हैं भाई, और आज लाइट रुकी हुई थी, मैंने कहा चलें हमारे यहाँ लाइट रुकी है तो यहीं पे वीडियोस भी बना लेते हैं। और पहले जो मैं अपने कप वगैरह भी धो लूँगी, घर के काम बिल्कुल ही नहीं ख़त्म होते। और आप ऊपर से कह रहे थे कि भाई आप सिस्टर डेली की वीडियोस अपलोड किया करें, मेरा भी दिल यही करता है कि मैं भी आप लोगों के साथ डेली की रूटीन अपनी शेयर करूँ। बस आप लोग दुआ करें भाई हमारी जो टाइमिंग जो है ना लाइट वाली ये ठीक हो जाए। और ये बस 10-20 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो गए, अब ज़्यादा हो गया, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, फिर भी रुकी होती थी, अब जो है ना लाइट रुक रही ही नहीं है। और बस ये अब जो है मैं बस बर्तन जल्दी जल्दी धो रही हूँ, और खाना वगैरह तो मेरा शाम में ही बनता है, दोपहर में बिल्कुल नहीं बनता। शाम में जो मतलब बनाऊँगी वो दिन में एक प्लेट रख देती हूँ, तो वो हुज़ैफ़ा मलाइका हम लोग मिल के ही दिन में खा लेते हैं। और वैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी हो, सवैयाँ हो गई बच्चों के लिए कोई अलग सी चीज़ जैसे अभी बनाए फ्राइज़ बनाए, तो वो जो है मैं अलग से बनाती रहती हूँ। और चाय का भी आप लोग कहते हैं भाई चाय आपको बहुत पसंद है, बस जी चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और जैसे मोटू का जो है समोसों के बगैर नहीं है ना, तो मेरा इस तरह चाय के बगैर भी नहीं है बिल्कुल ही। और मेरी मोटू पतलू वाली कहानी भाई, मेरी भी दिमाग की बत्ती नहीं जलती, दिमाग की बत्ती भी जलानी पड़ती है, साथ में व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है, और इस तरह व्लॉग्स भी बन जाते हैं, चाय भी पी लेती हूँ, थकन भी दूर हो जाती है। बस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।